हेलो इंडिया, मैं हूं उक्ता और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। रेसिपी पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं और आल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इससे चैनल के रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। बसंती पुलाव बंगाल में बहुत फेमस है और वहाँ पर बसंत पंचमी के दिन विशेष तौर पर इसको बनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन बंगाल में नए साल का स्वागत किया जाता है और इस बसंती पुलाव को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि इसे मीठा भात कहा जाता है, जर्दा पुलाव के नाम से जाना जाता है, केसरिया पुलाव के नाम से भी जाना जाता है। सभी का बनाने का तरीका अलग अलग होता है, इसे मैंने अपना ट्विस्ट दिया है। अगर आपने पहले कभी मीठा भात खाया है या बसंती पुलाव खाया है तो आप ये रेसिपी ट्राई करके देखिए। ये रेसिपी आपको उससे भी ज्यादा बेहतर लगेगी और उससे भी ज्यादा आपको पसंद आएगा। यहाँ पर मैंने लिए है 1 कप बासमती राइस। आप इसके लिए कोई भी चावल ले सकते हैं, पर स्पेशली मैं इसे बसंत पंचमी के लिए बना रही हूँ तो यहाँ पर मैंने लिया है बासमती चावल 1 कप। और साथ ही लिया है मैंने इसमें चीनी, वो भी 1 कप। यहाँ पर ड्राई फ्रूट लिया है मैंने, काजू, बादाम और किशमिश। इसकी मात्रा आप अपने पसंद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर खड़े मसाले में मैंने लिया है लौंग और इलायची, 4 लौंग लिया है और 4 हरी इलायची ली है। हरी इलायची और लौंग का इस्तेमाल मीठे में भी होता है और साथ ही नमकीन में भी होता है और खुशबू और जायके के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला काम ये है कि हमें चावल को 3 से 4 बार धोना है। धोने के बाद हम इसे पानी में भिगो कर रख देंगे 30 मिनट के लिए। आधे घंटे में हमारे चावल जो है अच्छे से भीग जाएंगे, उसके बाद हम इसका पुलाव बनाएंगे। जब तक चावल भीगता है तब तक हम इसके चाशनी बना लेते हैं। तो एक बर्तन में मैंने लिया है 1 कप चीनी और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 कप पानी। हमें एक पतली सी चाशनी बनानी है, ना तो हम 1 तर की चाशनी बनाएंगे, ना ही तर की और ना ही 2 तर की। जब चाशनी में उबाल आ जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे केसर वाला पानी। केसर वाला पानी बनाने के लिए हमने किया है 1 कटोरी में गुनगुना पानी और गुनगुने पानी में हमने डाल दिया है केसर, जिससे कि केसर का कलर उस पानी में आ जाएगा। अब हम साथ में ही डाल देंगे 4 लौंग और 4 इलायची। इलायची को पहले मैंने कूट लिया है, फिर इसमें डाला है, जिससे कि इलायची और लौंग का टेस्ट भी इसमें आ जाएगा। किसी किसी जगह पर कलर का इस्तेमाल किया जाता है, पर हमने यहाँ पर कलर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। हम इसे नेचुरल कलर से बनाएंगे, यानी कि सेफ्रन कलर, यानी कि हम इसे केसर से बनाएंगे। साथ ही इसमें केसर ने बहुत अच्छा कलर छोड़ दिया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमारी पतली चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है, अब इसे साइड में रख देंगे। इसमें डालने के लिए मैंने लिया है 125 ग्राम पनीर। पनीर को आप अपनी इच्छा अनुसार छोटे बड़े किसी भी साइज में काट सकते हैं। इसे मैंने चौकोर स्क्वायर शेप में काटा है। अब एक कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 2 टेबल स्पून घी। सबसे पहले हमें किशमिश, काजू और बादाम को फ्राई करके निकाल लेना है। मीठे पुलाव में आप काजू, बादाम और किशमिश को फ्राई करके ही डालें, इससे इसका टेस्ट जो है दुगना हो जाता है। इसे आप कभी भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसे बसंत पंचमी पे ही बनाएं। आप इसे कभी भी किसी भी फेस्टिवल या संडे या किसी पार्टी वगैरह में या जब भी आपको मन करे आप बनाकर खा सकते हैं और या कोई भी चावल आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी पैन में मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून घी और अब फ्राई करूंगी मैं इसमें पनीर को। पनीर को हल्का सुनहरा लाल कलर होने तक हम तल लेंगे। पनीर की वजह से इस मीठे पुलाव का जो टेस्ट है कई गुना बढ़ जाता है। इसका इस्तेमाल जरूर करें अगर आप ऐसा बनाना चाहते हैं तो। पनीर को फ्राई करके मैंने चाशनी में डुबो दिया है, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाएंगे, साथ ही चाशनी में अच्छे से भीग जाएंगे और मीठे भी हो जाएंगे। अब इसी पैन में हम डाल देंगे हमारे भीगे हुए चावल को। भीगे हुए चावल से मैंने उसके पानी को अलग कर लिया है, उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है। तो हमारे कढ़ाई में कम से कम 1 टेबल स्पून घी बच गया था।
और ये चावल उसी में फ्राई हो जाएगा। समय आता है इसमें पानी डालने का। तो 1 कप चावल के लिए हमने इस्तेमाल किया है 2.5 कप पानी। आप गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो गैस की फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और इसे धीमे आंच में ही पकने देंगे। तो हमें पूरा कुक नहीं करना है, मतलब कि 100% कुक नहीं करना है, बल्कि हम इसे 90% होने तक ही पकाएंगे या फिर इसका पानी सूखने तक इसे पकाएंगे। बीच बीच में चम्मच से चेक करते रहें ताकि चावल जले नहीं या फिर तले में लगे नहीं। अब चावल से पानी पूरी तरीके से सूख चुका है। अब हमारा जो चावल है वो भी 90% तक पक चुके हैं। एक बार चेक कर लेते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट है, हमारा चावल पक चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे चाशनी को, जो पनीर मिला हुआ चाशनी इसमें मिला देंगे। बाकी का जो 10% चावल पकेगा वो चाशनी में पकेगा, जिससे कि चावल चाशनी को अच्छे से सोख लेगी। अब इसमें हम एक उबाल आने देंगे और जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तब हम आंच को धीमी कर देंगे। स्लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। स्लो फ्लेम पर हम चाशनी को पूरे तरीके से सूखने तक पकाएंगे। अगर आप इस प्रकार से पकाते हैं तो हमारे राइस बहुत परफेक्ट पकेगा। उसमें केसर की खुशबू भी आएगी, इलायची और लौंग की खुशबू भी आएगी और चाशनी को अच्छे से चावल सूख भी कर लेंगे। और मीठे को ब्लेंड करने के लिए हमने इसमें डाला है पनीर। बस हमें 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला ये कि हमें इसे 30 मिनट तक भिगो कर रखना है। दूसरा ये कि हमें इसे सिर्फ 90% तक ही कुक करना है, बाकी 10% हम इसे चाशनी में कुक करेंगे। और लास्ट ये कि जब आप चाशनी बनाओगे तो उसे पतली चाशनी बनानी है, गाढ़ी चाशनी नहीं बनाना है। अगर गाढ़ी चाशनी बनाएंगे तो चावल है वो रस पच्चे से पिएगी नहीं। बस ये 3 बातों का आप ध्यान रखें तो आप बढ़िया बेस्ट बसंती पुलाव बना लेंगे। तो राइस पूरी तरीके ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून घी और साथ ही मिला देंगे हम ड्राई फ्रूट को भी इसमें। तो हमारी टेस्टी पनीरी बसंती पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। आज तक आपने ऐसा पुलाव नहीं खाया होगा, बनाकर जरूर देखिएगा। टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है, आपको जरूर पसंद आएगा। ये अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार की बढ़िया बढ़िया रेसिपी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।